सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड आर्ट्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडमी 9 सीरीज़ के MIUI 12.5 अपडेट के बारे में। तो गाइस, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारे अपडेट्स न्यूज़ हम लोग आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो गाइस, ज्वाइन नहीं किया जाके जल्दी से ज्वाइन करें। गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रेडमी 9 सीरीज को अपडेट क्यों नहीं देखने को मिला। गाइज, आप लोग में से बहुत सारे जानते ही होंगे रेडमी 8A, 8A Dual और 8 को MIUI 12.5 अपडेट देखने को मिल चुका है। एंड्रॉइड 10 बेस्ड अपडेट है, एंड्रॉइड 11 इन्हें नहीं देखने को मिलने वाला है। देख सकते हैं 782 MB का अपडेट था ये। गाइज, मैंने वीडियो इसके ऊपर बना दिया है, नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। गाइज, बात करें रेडमी 9 सीरीज के बारे में, तो गाइज रेडमी 9 सीरीज का क्या है, बहुत सारे मीडिया टेक का प्रोसेसर है जिसमें स्टेबल होने में अपडेट को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि गाइज मीडिया टेक का प्रोसेसर उतना अच्छा से हैंडल नहीं कर पाता है जितना स्नैपड्रैगन कर पाता है। इस वजह से गाइज मीडिया टेक का प्रोसेसर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है तो आपको बग्स देखने को मिलता है। अगर वही आप लोग कहते हैं अपडेट जल्दी दो जल्दी दो, अगर Xiaomi अपडेट जल्दी दे देगा और बग्स देखने को मिलेंगे तो कहेंगे MIUI में बग है, यही होता है गाइज, सब लोग कहते हैं। तो गाइज उसी बग को स्टेबल करने के लिए वो लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। अब मैं इतना तो शेयर हूँ, एक दो बग आपको जरूर देखने को मिलेगा गाइज, क्योंकि होता है कि हर एक अपडेट में एक दो बग्स तो जरूर मिलता है, पर गाइज उतने बग्स नहीं मिलेंगे। अब इसी वजह से डिले हो रहा है अपडेट, तो इसके वजह से क्या है कि अपडेट डिले हो रहा है क्योंकि रेडमी 9 सीरीज में बहुत से मीडियाटेक का प्रोसेसर है, मीडियाटेक का प्रोसेसर सही से स्टेबल नहीं हो कर पाते अपडेट को। इस वजह से गाइज मैं इतना श्योर हूँ कि सितंबर एंड से पहले आपको सभी रेडमी 9 सीरीज में अपडेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, अब बात करें नोट 9 प्रो मैक्स, उसमें तो स्नैपड्रैगन उसमें क्यों नहीं मिला। गाइज बता दूँ, एंड्रॉइड 11 अपडेट नोट 9 प्रो मैक्स को मिला था जिसमें बहुत सारे बग आए थे गाइज, क्योंकि वो हेवी अपडेट था इस वजह से, और न्यू एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट था इसमें से थोड़े बहुत बग्स आए थे। उन बग्स को सेटल करने में ही अभी टाइम लग रहा है। MIUI 12.5 तो मैं श्योर हूँ कि रेडी होगा, पर उन बॉक्स को सेटल हो जाए उसके बाद MIUI 12.5 को रोल आउट कर दिया जाएगा। अगस्त में जरूर आपको देखने को मिलेगा। पोको M2 Pro की बात करें तो उससे पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी गाइज कि पोको M2 Pro को भी न्यू अपडेट जरूर देखने को मिलेगा, वो भी क्योंकि नोट 9 प्रो और प्रो मैक्स को अभी तक देखने को नहीं मिला है, इसलिए पोको M2 Pro को भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो गाइज इतना तो श्योर हूँ कि पोको M2 Pro को भी जल्द ही देखने को मिलेगी, जैसे ही नोट 9 प्रो प्रो मैक्स को मिलेगी। एक न्यूज़ में निकल के आई थी, उसमें ये बताया गया था जुलाई एंड में पोको M2 Pro को अपडेट देखने को नहीं मिला, इस वजह से गाइज अगस्त में किसी भी वीक में पोको M2 Pro को अपडेट देखने को मिलेगा। इतना तो मैं कन्फर्म हूँ गाइज कि पोको M2 Pro को अपडेट आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगा। अब बात करें रेडमी 9 सीरीज 9 प्राइम, ये सब तो गाइज वही है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, बट स्टेबल होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा तो जल्दी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अब जो रेडमी 9 है, 9i, 9a, 9c, ये सब क्या क्या नाम है, जो इन सब में MediaTek का प्रोसेसर है, इस वजह से इन सब में थोड़ा लेट हो रहा है और इसमें आपको पक्का सितंबर में अपडेट देखने को मिलेगा। बात करें गाइज नोट 8 प्रो सीरीज की, तो उनके लिए तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है गाइज, क्योंकि उनका तो कन्फर्मेशन हो ही चुका है कि उन्हें अपडेट सितंबर में ही देखने को मिलेगा दोनों डिवाइसेस को इंडिया में। ग्लोबल में अपडेट गया था, मे भी हो सकता है हेवी बग्स मिले होंगे इस वजह से उसे सेटल करने में इंडिया में अभी तक अपडेट रिलीज नहीं किया गया है। इसलिए गाइज रेडमी नोट 8 प्रो दोनों को ही अपडेट मिलेगा सितंबर में, और नोट 8 प्रो में भी जो MediaTek का प्रोसेसर है तो थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगता है, और जो नोट 8 में प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 662 वो उतना पावरफुल नहीं है, तो वो भी थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम ही लगेगा गाइज। तो देख ही सकते गाइज यही सब कुछ बात थी मुझे पता चला है, तो यही सब है। अगर कोई भी अपडेट आएगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ज्वाइन नहीं किया जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कुछ आपको और जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। शेयर करना है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उन्हें भी अपडेट न्यूज़ के बारे में पता चल सके। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.